नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार की, जो कि हम पूरा टोटल 3 भागों में से पूरा करेंगे और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 1। देखिए, जब भी हम बात करते हैं अलंकार की, तो अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है आभूषण। आप गहना कह सकते हैं, आप जेवर कह सकते हैं, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जब हम बात करते हैं अलंकार की, भाषा के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, तो किसी भी काव्य के शोभावर्धक तत्वों या कारकों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की जो सुंदरता बढ़ाते हैं तत्व, वही अलंकार कहलाते हैं। ये खुद सुंदर नहीं होते, लेकिन काव्य में अगर इनका प्रयोग हो जाए, अगर हम इस प्रकार से बात करें, तो ये उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाएंगे। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करता है, बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार अगर हम काव्य की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं अलंकारों का। अब हम बात कर लेते हैं कि अलंकार के भेद कितने हैं, अलंकार के प्रकार कितने हैं। अलंकार को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है शब्दालंकार, दूसरा प्रकार है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ओके, नाम से आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं पहले प्रकार की, तो जिन अलंकारों का अस्तित्व और सौंदर्य शब्द विशेष पर आधारित हो, ओके, शब्द विशेष पर आधारित हो, तो उसे कहा जाएगा शब्दालंकार। अगर इस प्रकार में हम क्या करें कि उस शब्द का पर्यायवाची अगर लगा दें, तो पूरा का पूरा उस अलंकार का सौंदर्य हट जाएगा, यानी उसका कोई मोल नहीं रहेगा, वो कहलाएगा शब्दालंकार। अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा प्रकार है अर्थालंकार, यानी जिन अलंकारों के सौंदर्य का आधार अर्थ होता है, अगर शब्द हो तो वो शब्दालंकार, अगर सौंदर्य का आधार उस वाक्य के अर्थ है तो वो कहलाएगा अर्थालंकार। और यहाँ पर तीसरा प्रकार भी होता है, जो कि होता है उभयालंकार। उभय का मतलब क्या होता है, कॉमन के लिए हम उभय का प्रयोग करते हैं, तो अगर शब्द और अर्थ दोनों पर जिसका सौंदर्य निर्भर रहता है, उसे कहा जाएगा उभयालंकार। तो ये 3 प्रकार हमने पढ़े। अब एक एक के डिटेल में हम व्याख्या कर लेते हैं कि कौन से में कितने उप प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार अभी हमने थोड़ी सी डिटेल में तो बात की थी, लेकिन और अधिक डिटेल में अगर हम बात करते हैं, तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दों के माध्यम से अगर काव्य को अलंकृत किया जा रहा है, काव्य के सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है, तो वो कहलाएगा शब्दालंकार। अर्थात किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से उसका सौंदर्यता बढ़ जाए, लेकिन उसी शब्द का अगर कोई पर्यायवाची हमने रख दिया है, तो वो जो सौंदर्य आया है उस काव्य में, वो लुप्त हो जाएगा। तो यही शब्दालंकार है। यानी शब्द की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितनी महत्वपूर्णता होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब शब्दालंकार की अगर हम बात करें प्रकारों की, तो शब्दालंकार को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा प्रकार है इसका श्लेष अलंकार। तो ये 3 प्रकार किसके अंदर आ जाएंगे, शब्दालंकार में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार की, ठीक है। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का एक प्रकार है। यदि किसी वर्ण या वर्ण समूह के एक से अधिक बार प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। तो किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार अगर आवृत्ति हो रही है, वर्ण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति हो रही है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और जब कई बार कुछ वर्णों की विशेष आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो वाक्य सुनने में और सुंदर लगता है। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ पर देखिए, च जो है, ये च कई बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और ये जब आवृत्ति होती है तो इससे वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, और ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण माना जाएगा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में अनुप्रास अलंकार के भी प्रकार पूछ लिए जाते हैं, तो हम उनकी बारे में भी बात करेंगे। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब यहाँ पर देखिए, एक वर्ण है म, और इस म वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ओके,
तो जब भी किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के भी पांच भेद हैं और उनमें से पहला जो भेद है वो है छेकानुप्रास। ठीक है, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये पांच प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। डिटेल में पढ़ रहे हैं एक बार को, आपको मोटे मोटे तौर पर तो समझ में आ गया है कि अगर किसी वर्ण का एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। लेकिन अब इसके भी उपभेद हैं, तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब छेकानुप्रास क्या होता है, अगर एक या अनेक वर्णों की सिर्फ एक ही बार आवृत्ति हो, यानी सिर्फ एक बार आवृत्ति हो रही है कि एक बार वो शब्द के अंदर एक वर्ण आया है और उसकी एक बार आवृत्ति हो गई, या फिर जैसे कि यहाँ पर एक वर्ण भी हो सकता है और अनेक वर्ण भी हो सकता है। अगर हम पहला वाला वाक्य देखें, कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर देखिए क की एक बार आवृत्ति हुई है और भ की भी एक बार आवृत्ति हुई, यानी एक एक बार दोनों का रिपीटेशन हुआ है, दो वर्णों का, क भी हो जाएगा और यहाँ पर भ भी हो जाएगा। तो छेकानुप्रास में क्या होता है, अगर एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो तो उसे छेकानुप्रास कहा जाएगा। दूसरा प्रकार हम देखते हैं, दूसरा प्रकार क्या है, वृत्त्यानुप्रास। अगर एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, अगर एक बार आवृत्ति हो रही है तो वो है छेकानुप्रास, लेकिन तीन या तीन से अधिक बार आवृत्ति जब होती है तो वो हो जाता है वृत्त्यानुप्रास। जैसे कि भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। अब यहाँ पर देखिए भ जो है एक बार रिपीटेशन होता सिर्फ, तो वो क्या होता, छह का अनुप्रास हो जाता, लेकिन यहाँ पर भ जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है और इस आधार पर ये वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। तीसरा प्रकार देखते हैं जो कि है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में याद रखिएगा कि अंत्य, अंत्य से अंत याद रखें, अगर अंत में तुक मिल रही है तो वो अनुप्रास अलंकार का भाग होगा। और कौन सा, अंत्यानुप्रास। देखिए जैसे कि मांगी नाव न केव टू आना, कहीं तुम्हारो मर्मू में जाना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आना जाना ये जो है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा अंत्यानुप्रास के अंतर्गत, जब अंत में तुक मिले। ये जो ना है ये अंत में तुक को मिलाने का काम कर रहा है, तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। चौथा देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब एक शब्द या किसी वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है तो वो लाटानुप्रास होगा। ठीक है, पूरा का अधिक कर देखेंगे कि इसमें किसी वाक्य खंड की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे कि ये पूत है और वापस पूत का प्रयोग हो गया, तो क्या धन संचय, या फिर तो क्या धन संचय, तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पूरे के पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है, और जब भी कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, लेकिन उसका अर्थ अगर करा जा रहा है तो बार बार एक अलग अर्थ आ रहा है, क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को देखो तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा और इसमें कपूत और सपूत की वजह से दोनों ही अर्थ जो है उसके भिन्न हो जाएंगे, भले आपको वाक्य खंड की आवृत्ति दिख रही है। तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं, वाक्य अगर आते हैं, तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होगा, वहां पर होगा लाटानुप्रास। एक और उदाहरण अगर मैं आप लोगों को बोल के बताऊं, तो राम भजन जाके अहे विपत्ति सुमंगल ताही, राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। अब देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस में सब चीजें एक जैसी हैं, राम भजन जाके और विपत्ति सुमंगल ताही, ये पूरा का पूरा वाक्य खंड जो है उसकी आवृत्ति हो रही है, लेकिन अगर हम पहली लाइन देखें वहां पर अहे है होने पर और दूसरी में नहीं है, तो सिर्फ इतना सा अगर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ तो पूरा बदल रहा है, लेकिन कई बार वाक्य खंडों की पूरी आवृत्ति होती है, तो इस प्रकार का जो अलंकार होगा वो होगा लाटानुप्रास। अगला प्रश्न देखिए है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास किस प्रकार का अलंकार होता है, जहां पर, यहाँ पर देखना, एक ही वर्ग के वर्णों की अगर आवृत्ति होती है, या फिर आप याद रखें जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे कहा जाता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण है दिनांत था थे दिन दिननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे।
ओके, तो यहाँ पर देखिए त, फिर न, फिर त, थ, थ, द, न, न, थ और त। तो ये सब में आप देख सकते हो कि दंती व्यंजनों का आधिक्य जो है वो दिख रहा है। इस आधार पर ये श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये अनुप्रास के पांच भेद हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कालिंदी कूल कदंब की डरनी, क का देखिए आप बार बार पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। इसी प्रकार से कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, तो यहाँ पर भी क जो है कई बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण होंगे। अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं यमक अलंकार का। ये भी शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार है। देखिए, हमने अनुप्रास अलंकार की बात की थी, वहां पर एक वर्ण की आवृत्ति हुई थी। ठीक है, वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। अगर हम बात करें यमक अलंकार की, तो किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार अगर आवृत्ति हो रही है, वर्ण की नहीं शब्द की यहाँ पर बात हो रही है, तो दो बार प्रयोग में किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। तो उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शब्द है घटा, ये दो बार प्रयोग किया जा रहा है और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। पहले जो काली घटा जो है, वो पहला वाला जो है वो बादलों के रूप में हुआ है, कि वर्षा काल में जो मेघमाला के अर्थ में हुआ है घटा का प्रयोग, और घमंड घटा यानी कम होने से संबंधित है। तो अगर किसी शब्द का दो बार प्रयोग हो रहा है और दोनों बार अलग अलग रूप में हो रहा है, भिन्न भिन्न अर्थ के रूप में हो रहा है, तो वो होगा यमक अलंकार। इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण यमक अलंकार का, कनक कनक। ठीक है, ते 100 गुनी मादत्ता अधिकाय। अब यहाँ पर दो बार कनक का प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार अलग अर्थ में हुआ है। तो पहला वाला जो कनक है वो सोने के लिए है और दूसरा वाला जो कनक है वो धतूरे के लिए हुआ है। तो यहाँ पर अगर दो बार प्रयोग हो रहा है शब्द का और भिन्न अर्थ है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार की छटा दिखाई देगी। देखिए, अब यहाँ पर एक और उदाहरण हम देखते हैं। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बार मन का प्रयोग हो रहा है, मनका का प्रयोग हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब मनका का प्रयोग अलग अलग अर्थों के रूप में हुआ है, मनका का मतलब माला का दाना भी हो सकता है, मनका का मतलब हृदय भी हो सकता है, मनका का मतलब मन में ध्यान लगाना या मन की भावनाओं से संबंधित भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार माना जाएगा। एक और उदाहरण अगर मैं बताती हूँ, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब देखिए, 3 बेर जो है वो एक बार तो आ जाएगा 3 बार के लिए, किसके लिए आ जाएगा, 3 बार के लिए, और दूसरा जो है 3 बेर यानी 3 बेर के दाने की बात आ जाती है। तो ये इस प्रकार का उदाहरण भी यमक अलंकार का ही उदाहरण माना जाएगा। तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, अब एक ही शब्द है और उससे कई अर्थ चिपके रहें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जहां एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले, वही श्लेष अलंकार होगा। ओके, तो ये थोड़ा अलग है, दोनों अलंकारों से भिन्न है। यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊब रे, मोती मानस चून। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, पानी जो है, पानी को हम पूरी की पूरी, ये जो लाइन है इसे मोती के संदर्भ में भी बता सकते हैं, यानी चमक के रूप में बता सकते हैं, मनुष्य के संदर्भ में बता सकते हैं, इज्जत के संदर्भ में भी बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ही है। इसी प्रकार अगर हम बात करें चून, चून की अगर हम बात करते हैं, तो ये चूने के संदर्भ में भी होगी, जल के संदर्भ में भी होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न अर्थ के रूप में हम उसको बता सकते हैं, तो वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, उन्हें हरि का है आतंक। अब देखिए, हरि का मतलब भगवान के रूप में भी हो सकता है और हरि का मतलब बंदर के रूप में भी हो सकता है। तो जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। तो आज की क्लास में हमने बात की है शब्द के आधार पर, अगर हम बात करते हैं शब्दालंकार के 3 प्रकारों की,
पहला था अनुप्रास अलंकार, उसके बाद हमने पढ़ा है यमक अलंकार, और तीसरा हमने पढ़ा है श्लेष अलंकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं मालविका चौधरी सर्च करके, या फिर आप सुविद्या सर्च करें, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।